दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉग रावत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और जो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और खास है, इसको पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। दोस्तों जो आज का वीडियो में मैंने एक राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपी है, दाल ढोकला या भागड़ा बाटी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसको शेयर किए दोस्तों, उसकी रेसिपी को। तो प्लीज आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों तो देखते हैं आज का वीडियो और फुल वॉच कीजिए दोस्तों, पूरा देखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखिए बाटी हमने गर्म पानी में डाल दी है। ये देखिए गर्म पानी हो चुका था, उसमें डाल दी थी हमने बाटियाँ। और उसके बाद हम इसमें जो दाल हमने पहले गला रखी थी, मूंग मसूर और चने की दाल, वो हम इसमें डाल देंगे। दो के अच्छी तरह डाल देंगे दोस्तों इसको, देखिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हिला लेंगे एक बार। और उसमें एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची का, और नमक स्वादानुसार डाल देंगे, और थोड़ा सा जीरा उसमें डाल देंगे। और वो क्या, वैसे ये दाल उफनती है, इस कारण इसमें हम एक चम्मच तेल का डाल देंगे दोस्तों। ढकेंगे तो फिर ये उफनेंगी नहीं। तो देख लो हमने इसमें तेल डाल दिया एक चम्मच, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आधे घंटे के बाद देखिए दाल कैसी हो चुकी है हमारी, अच्छी तरह घुट चुकी है। वो बाटियाँ भी, बाटियों का साइज भी अलग हो चुका है। तो हमने इधर जब तक दाल उबड़ी थी, हमने प्याज काट लिए हैं देखिए, और थोड़ा सा लहसुन छील लिया है, 5-7 कर लिया। और ये दो छोटे छोटे टुकड़े अदरक ले लेंगे, दो तीन छोटी छोटी मिर्चें काट लेंगे दोस्तों, हरी मिर्च। और थोड़ा सा खेत से धनिया ले आएंगे, थोड़ा धनिया ले लेंगे हम। और दो टमाटर ले लेंगे दोस्तों। और ये मैंने मामदस्ता ले लिया, इसमें पहले मैं अदरक और जो लहसुन है उन दोनों को इसमें डाल दूंगा। उसको धीरे धीरे हम कूट लेंगे दोस्तों। ये देखिए ये मैं कूट रहा हूँ उनको धीरे धीरे से। और ये देखिए बाटियाँ बन चुकी थी, दाल और दोनों रेडी हो चुकी थी, तो हमने इसको उतार दिया नीचे। अब हम इसका तुड़के की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कच्चा आंगन इसलिए चीटियाँ वीटियाँ हो रही हैं, आप इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा समस्या होती है इनकी। और ये देखिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। और जो ये दाल है, इसको हम एक दूसरे बर्तन में उल्टा लेंगे, क्योंकि मेरे पास डेगची एक ही है, इस कारण मुझे इसी में इसके तुड़का लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पूरा इसमें ले लेंगे। देखिए कितनी साइज़ में कितनी बढ़िया और बड़ी बड़ी बाटियाँ हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसको उल्टा लिया है। और ये देखिए डेगची गर्म हो चुकी थी, इसमें हमने दो चम्मच तेल के डाल दिए। और एक चम्मच अपन दोस्तों इसमें जीरा डाल देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका था, जीरा डाल चुके हैं हम इसमें। और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था हमने, कूटी थी आमदस्ते में, वो डाल देंगे इसमें। और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, इसको हिलाते भी रहना है, जल नहीं जावे ये। और चूल्हे की आँच थोड़ी धीमे रखनी इस समय। और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें हम जो अपन ने प्याज काटे थे दो छोटे छोटे, वो डाल देंगे। देखिए इनको हिलाते रहना है, अभी इनको भी थोड़ी देर पकाना है हमको। देखिए हिलाते हुए अच्छी तरह हिलाना है इनको। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हरी मिर्च काटी थी अपन ने, वो हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे दोस्तों। और एक चम्मच फिर इसमें दो चम्मच अपन डाल देंगे मिर्ची के, एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है दोस्तों। धनिया मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने धनिया को, साबुत धनिया को कूट के फिर इसमें डाल दिया है दोस्तों। उसका अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था दोस्तों साबुत धनिया का भी। और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। और उसके बाद इसमें जो अपन ने दो छोटे छोटे टमाटर काटे थे, वो टमाटर डाल देंगे दोस्तों। इनको हमें हिलाते रहना है धीमी आँच पर, चूल्हे में धीमी आँच रखनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, तो देखिए मसाला कितना अच्छा रंग आ गया मसाले में, तुड़के में। और जो मैंने दाल और बाटी जो उबाली थी, उसको अपन इसमें उल्टा देंगे डेगची में मसाले में।
तोड़ के मैं उल्टा दिया, मैंने ये देखी। और अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, ये देखिए, और एक दो बाल तक अपन छोड़ देंगे इसमें। और ये देखिए, वो बाल आने के बाद मैंने डेक्ची को नीचे उतार दिया था, और अभी मैं इसमें हरा धनिया जो लाया था खेत से वो डाल दूंगा इसमें काट के। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर, इतनी टेस्टी बनी थी दोस्तों, आप भी घर पे ट्राई कीजिए। और ये देखिए दोस्तों, अब मैं राजस्थानी थाली दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की दोस्तों। ये देखिए ऐसे हम डाल देंगे इनमें जो दाल बाटी है इसको। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर, इतनी टेस्टी बनी थी दोस्तों, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। और इसमें हम जो गाय का घी है, घी डाल देंगे दोस्तों, कोई सा भी घी हो आपके पास। मेरे पास गाय का, इसलिए मुँह से गाय का निकल गया था, माइंड मत कीजिए। ये देखिए अब जो मक्खन निकला था, हमने भिलोया था तो वो मक्खन डाल देंगे। ये देखिए जो बाटी है इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे, जैसे खाएंगे वैसे ही। देखिए चक्कू की सहायता से हम, देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कच्ची है दोस्तों, क्योंकि इसको उबालने में मुझे कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया था दोस्तों, दाल भी अच्छी गुड़ गई थी इससे, देखिए। और ये देखिए दोस्तों घी और बाटी, दाल बाटी कितनी अच्छी टेस्ट है, सुंदर अच्छी लग रही है दोस्तों। देखिए राजस्थानी थाली कैसा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं दोस्तों पढ़ के इतना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैंने पहले कहा था आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे आपको वीडियो कैसा लगा है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी थाली की पिक ली थी मैंने, ये कितनी अच्छी आई है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों ये देखिए अब आगे जाके मैं इसको खा रहा हूँ चूल्हे के पास ही बैठ के। ये देखिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।